मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बने दिसंबर में एक साल पूरा होने वाला है, लेकिन पार्टी के विधायक अब अपनी ही सरकार की अफसरशाही से परेशान होने लगे हैं। कांग्रेसी विधायक मुन्ना लाल गोयल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर अफसरों के खिलाफ शिकायत की है। विधायक ने कहा कि अफसर कांग्रेस के वचन पूरे नहीं होने दे रहे हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से विधायक मुन्ना लाल गोयल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मुरार नदी प्रोजेक्ट, भूमिहीन गरीबों को पट्टा देने और विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अफसर कांग्रेस के वादों को पूरा होने नहीं दे रहे हैं। मुन्ना लाल गोयल ने आरोप लगाए कि अफसर वचन पत्र में किए गए वादों और विकास कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं और जनता के काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें चुना है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को अंजाम दें। बता दें कि इससे पहले सिंधिया भी कमलनाथ सरकार के मध्य प्रदेश चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए कमलनाथ सरकार को घेर चुके हैं। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।